साल 2020 को पूरी तरह अपने शिकंजे में लेने वाले कोरोना वायरस या कोविड-19 वायरस के हालिया सप्ताहों में तीन नए प्रकार सामने आए हैं। इनमें से कुछ की संक्रामकता पहले के वायरस के मुकाबले 70% तक अधिक है, जिसके चलते पूरी दुनिया में नया भय फैल चुका है। वायरस समय के साथ म्यूटेट होते हैं, बदलते हैं, यह हम सब जानते हैं। ये एक प्रक्रिया है जो तब होती है जब वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है या उस तक जाता है। आमतौर पर इस प्रक्रिया में कुछ महीनों का वक्त लगता है, इसलिए वैज्ञानिक कोरोना के नए प्रकार को देखकर हैरान बिल्कुल नहीं है। ऐसे में इस बात का अनुमान लगाना काफी कठिन है कि वायरस में नया म्यूटेशन कहां होगा। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है जिससे म्यूटेशन को रोका जा सके और वायरस के अधिक जानलेवा बनने या उसके वैक्सीन को ही बेअसर करने की स्थिति में पहुंचने से बचा जा सके। हाल के दिनों में कोरोना वायरस के तीन नए स्ट्रेन पाए गए हैं। इनकी पहचान ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया में हुई है। ब्रिटेन में पाए गए स्ट्रेन को VUI 2020-1201 नाम दिया गया है। ब्रिटेन के कई हिस्सों में इस स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसके चलते चिंताएं इस कदर बढ़ गई हैं कि भारत समेत कई देशों ने ब्रिटेन के लिए यात्रा पर ही अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही ब्रिटेन में भी कठिनतम स्तर के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया के सामने अभी तक इस नए स्ट्रेन के बारे में क्या क्या जानकारियां सामने आई हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्यों चिंता का कारण बन रहा है ये नया स्ट्रेन। ये वायरस के अन्य रूपों की तरह बहुत तेजी से जगह ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये तेजी से फैल रहा है। इसमें ऐसे म्यूटेशंस हैं जो वायरस के हिस्सों को प्रभावित करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ म्यूटेशंस ऐसे हैं जो कोशिकाओं को ज्यादा संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। अगला सवाल यह है कि कितनी तेजी से फैल रहा है ये नया स्ट्रेन। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन की पहचान सबसे पहले हुई सितंबर में। नवंबर में लंदन के करीब 1/4 मामले नए स्ट्रेन से संक्रमण के थे। वहीं दिसंबर के मध्य तक ये संख्या 2/3 पहुंच चुकी थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अनुसार वायरस का ये नया प्रकार पहले के मुकाबले 70% तक अधिक संक्रामक है। चलिए आपको बताते हैं कि कितना फैल गया है कोरोना का ये नया स्ट्रेन। माना जा रहा है कि नया स्ट्रेन या तो ब्रिटेन के ही किसी मरीज में पैदा हुआ होगा या फिर अन्य किसी देश से ट्रेवल करके आया होगा। इसे उत्तरी आयरलैंड के अलावा पूरे लंदन में पाया गया है, लेकिन लंदन, दक्षिण पूर्वी और उत्तरी ब्रिटेन में इस संक्रमण के मामले सबसे ज्यादा है। पूरी दुनिया में वायरस सैंपल के जेनेटिक कोड्स पर नजर रखने वाले संगठन नेक्स्ट स्ट्रेन के अनुसार डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन से आए मामले पाए गए हैं। नीदरलैंड में भी काफी मामले मिले हैं। दक्षिण अफ्रीका में भी कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन मिला है, जिसमें ब्रिटेन जैसे ही कुछ म्यूटेशंस मिले हैं, लेकिन उससे थोड़े अलग। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? तो जी हाँ, इस सवाल का जवाब है यस। इस वैश्विक बीमारी के केंद्र चीन के वुहान में जिस वायरस की सबसे पहले पहचान हुई थी, पूरी दुनिया में फैले वायरस से वो बिल्कुल अलग है। फरवरी में यूरोप में एक म्यूटेशन की पहचान की गई और इसे D614G नाम दिया गया। इसके अलावा एक म्यूटेशन यूरोप में पाया गया जिसे A222V नाम दिया गया था। आइए आपको बताते हैं कि नए म्यूटेशन के बारे में जानकारी क्या है। वायरस के नए प्रकार के बारे में एक शुरुआती विश्लेषण प्रकाशित हो चुका है। इनमें 17 तरह के महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पहचान होने की बात कही गई है। वायरस के स्पाइक प्रोटीन में बदलाव आया है। आपको बता दें कि वायरस पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन एक तरह की चाबी होते हैं, जो मानव शरीर की कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश के लिए एक रास्ता तैयार करते हैं। एक म्यूटेशन स्पाइक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन को बदलता है और इस म्यूटेशन को N501Y कहा गया है। क्या इससे संक्रमण और भी घातक हो सकता है? सवाल ये भी है। अभी तक इस बारे में कोई सबूत तो नहीं मिले हैं कि वायरस का नया प्रकार पहले से ज्यादा घातक है या जानलेवा है। हालांकि वैज्ञानिकों का ये कहना जरूर है कि निगरानी बेहद जरूरी है। अगर वायरस अधिक घातक नहीं भी है तो भी संक्रामकता बढ़ने से मामलों की संख्या बढ़ेगी और अस्पताल पर अतिरिक्त कार्यभार भी बढ़ेगा।
अगला बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है जो सभी के जहन में एक बार जरूर कौंधा होगा कि कोरोना वैक्सीन जो बन रही है क्या इस वायरस पर काम करेगी। तो हम आपको बता दें कि इस बारे में अभी तक वैज्ञानिकों का कहना है कि वायरस पर वैक्सीन पूरी तरह असरदार रहेगी। थोड़ी ये बात जो है वो अच्छी है, अच्छी खबर है कि वायरस पर कोरोना की वैक्सीन जो है वो असरदार रहेगी। दरअसल वैक्सीन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को इस तरह तैयार करती है कि वो वायरस के विभिन्न भागों पर हमला करे, उसे नष्ट कर सके। इसलिए अगर स्पाइक का कोई हिस्सा म्यूटेट भी हुआ तो भी वैक्सीन उस पर असर करेगी, जो कि एक अच्छी खबर है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।